हे गाइस, दिस इज स्टे विद मी ब्लॉग। आज मैं घर की चीज़ों से दिखाऊंगी तीन ऐसा स्वीट्स जो मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। यहाँ मैं दूध को गाढ़ा कर रही हूँ और थोड़ा व्हिपिंग क्रीम थी, वो क्रीम को मैं रेडी करके रखी हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी। ये मिल्क जो गाढ़ा किया था उसका नीचे पहले लेयर दे दिया और बाद में ये जो बिस्किट देख रहे हो कॉफ़ी की पाउडर बनाया था मैंने, कॉफ़ी की पाउडर सिरप बनाया था कॉफ़ी और पानी से, और बिस्कुट डिप कर कर के एक लेयर दिया। फिर अब क्रीम दे रही हूँ, फिर और एक लेयर में केक, या फिर अब केक ना हो तो बिस्किट भी डाल सकते हो बिस्किट की, लेकिन कॉफ़ी की पानी में डिप करना था कि जो स्मेल आएगा ना उस स्मेल से इसका टेस्ट दोगुना हो जाते हैं। तो ऐसे में मैरीगोल्ड बिस्कुट हमेशा यूज़ करती हूँ और केक भी यूज़ करें। फिर और एक लेयर गाढ़ा दूध और फिर एक लेयर डिप किया हुआ बिस्किट, कॉफ़ी में डिप किया हुआ बिस्किट। एक बार बना के ये डेजर्ट बना के देखना, मतलब कि रमज़ान में तो ये पक्का एक बार बनाना, इसलिए मैं रमज़ान में पहले आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं कभी कभी बहुत बनाती हूँ, बना के ये सब फ्रिज में रखती हूँ। जब भी स्वीट खाने के मन करते हैं, क्रेविंग होते हैं ना, तो मैं ऐसे निकाल के खा सकते हो और गेस्ट आए तो इसको सर्व भी कर सकते हो। ये इंस्टेंट बन जाते, ये बनाने के बाद 15-20 मिनट्स आप ऐसे रख दो, फ्रिज में रख दो या फिर बाहर भी रख दो, ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और काट काट के आप सर्व करो, एकदम मेहमान खुश हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं जैसे दिखा रही हूँ स्टेप बाई स्टेप, ये आप एक बार बना के ज़रूर देखना। अरे इतने टेस्टी चीज़, मगर बिना बाज़ार में जाके बिना चीज़ें खरीद के घर में बन सकता है, तो कोई बाज़ार क्यों जाए हम। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्वीट मैंने कैसे बनाई और क्या बनाई। घर में जब ज़्यादा ब्रेड आ जाते एक बार खाने के बाद, फिर से अगर खाना ना हो तो फ्रिज में रहते रहते इसको फेंकना मत। इसको आप बड़ी अच्छी एक स्वीट बना सकते हो, रसमलाई जैसा बना के एक बार देखना। मेरी बिलीव में इतना टेस्टी और इतना मज़े की चीज़ें बने हैं। इसमें मैं पाउडर मिल्क के साथ थोड़ा सा मलाई डाल के एक थिक सा पेस्ट बनाऊंगी, और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ब्रेड को साइड से काट लेना। और यह मिल्क थोड़ा गाढ़ा कर रही हूँ, इस गाढ़े के कारण से, वह गाढ़े के लिए मैंने उधर मिल्क में और मिल्क पाउडर डाल के थोड़ा शुगर डाल के थोड़ा सा गागाड़ा करके रख रही हूँ। और ऐसे ब्रेड को बलन की मदद से थोड़ा फ्लैट करके, और वो जो मिल्क पाउडर की जो पेस्ट बनाई थी मैं, उसको बीच में डाल के एक रोल का शेप दे दूँगी। एकदम इजी घर के लिए बनाया, इतना टेस्टी हुआ। मैं सोच रही हूँ अब मैं बार बार बनाऊँगी, क्योंकि बाहर की जो रसमलाई होते वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ऐसे घर में बनाकर आप लोग ब्रेड को यूज़ कर सकते हो और ख़ुद एंजॉय भी कर सकते हो रसमलाई। तो ऐसे मैं थोड़ा तवा में ऑयल डाल के, सॉरी घी डाल के, देसी घी डाल के थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, सेक रही हूँ। और फिर इसको गाढ़े दूध में इसको डीप करके रखूँगी। 2-3 घंटे में ये रसमलाई बन के रेडी हो जाएगी। इंस्टेंट है, आपको खुद एंजॉय कर सकते हो या फिर कोई गेस्ट भी आ जाए यह रख सक आप सर्व कर सकते हो, या फिर ऐसे फ्रिज में रखो तो कभी जो भी स्वीट खाने के मन जाए आप निकाल के खा सकते हो। इजी है, टेस्टी है और एकदम लो कॉस्ट में जो चीज़ घर में है इससे मैं बना रही हूँ। और अब लास्ट में मैं ऊपर में जो मिल्क गाढ़ा किया था उसको डाल दिया, और थोड़ा केसर दूध में डुबा के रखी थी, स्मेल भी अच्छे हो जाते हैं और बाज़ार वाला लुक्स जो हलवाई लुक बनाते हैं ना ऐसा, देखने में भी सुंदर, खाने में भी जो स्मेल है सबका पसंद है। ये रसमलाई में जो फ्लेवर होते हैं ना कसर्स की वजह से होते हैं, बहुत ही, मैं खुद सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदाज़े से, मैं किसी रेसिपी से देख के बनाई नहीं, मैं खुद अपने मन से ये चीज़ बनाई। मगर इतना मुझे पता था ब्रेड से बनते हैं, मगर वो मेरा खुद का था, मैं खुद लग रहा है जैसे जैसे बनाने में
हो जाएगा। तो बिलीव मी कि इतना टेस्टी हुआ, मैं तो बोलूँगी हलवाई वाले की रसमलाई से फील होगा, रसमलाई फील होगा मेरे इसके सामने। और थर्ड में यह एक स्वीट एज यूजुअल मेरे चैनल में बहुत सारे केक की रेसिपी है, इनमें से एक सिंपल सा केक मैं बना रही हूँ। घर में चीज़ घर की चीज़ से मैदा भी घर में थे, एग भी घर में थे, तो एक सिंपल केक बना रही हूँ। थर्ड स्वीट आप 15 मिनट्स का, ये 15 मिनट्स में जो स्वीट्स बना सकते हो इसका मैं 3 वर्षन देखा है आप लोगों को। आई होप मेरा ये छोटा सा शेयरिंग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए 3 स्वीट से कौन सा स्वीट आप लोगों को सबसे पसंद आया। तो मैं विदा ले रही हूँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।